दोस्तों बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पोस्टमार्टम वाले, फॉरेंसिक साइंस वाले ये कैसे पता लगा लेते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु इतने बजे हुई है, इतने समय पहले हुई है, एग्जैक्ट टाइम कैसे पता चल जाता है? क्योंकि हम जानते हैं पोस्टमार्टम में तो ये पता चलता है कि मृत्यु मौत कैसे हुई है, क्या कारण था, गोली मारने से, एक्सीडेंट से या जहर से, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन कब हुई ये कैसे पता चल जाता है? ये बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और लोगों के मन में आता भी होगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो देखो बॉडी का टेम्परेचर एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। हालांकि मृत्यु का टाइम पता करने के बहुत सारे और फॉर्मूलेज होते हैं, बहुत तरह तरह के और स्टेप्स मेथड्स होती हैं, बट मैं आपको वो बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा चलता है और सबसे ज़्यादा आसान भी होता है। इससे ये पता चल जाता है कि इस व्यक्ति की मौत कितने देर पहले हुई है। ठीक है, पहली चीज़ यहाँ पे है दोस्तों विसरल टेम्परेचर। अब ये विसरल टेम्परेचर क्या होता है? देखो विसरल मतलब कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स का टेम्परेचर, हमारे बॉडी ऑर्गन्स अंदर हैं, लिवर, किडनी, स्टमक, कोई भी हो सकता है, इनका टेम्परेचर को बोलते हैं विसरल टेम्परेचर। ठीक है, एब्डोमेन का, थोरेसिक एरिया के सब ऑर्गन्स का टेम्परेचर जो है वो कहलाता है क्या, विसरल टेम्परेचर। अब ये जो विसरल टेम्परेचर है ये भी एक फैक्टर है, इससे भी पता चल जाएगा। दूसरा कि नॉर्मली आप रेक्टल टेम्परेचर ले सकते हैं, रेक्टम का टेम्परेचर, वो भी लगभग लगभग इंटरनल ऑर्गन्स में ही आता है, और लिवर का, डायरेक्ट लिवर का भी टेम्परेचर चेक किया जा सकता है। होता क्या है कि एक चीज़ होती है, एक फॉर्मूला होता है 98.4 माइनस करंट बॉडी टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 1.5। ये अगर किया जाता है तो पता चल जाता है कि ये कितने घंटे पहले मृत्यु हुई है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे हम उदाहरण की मान लेते हैं 98.4 माइनस कि भाई व्यक्ति का टेम्परेचर है 86, उदाहरण के लिए 86 है, तो 86 को उसमें माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे 1.5। अब क्वेश्चन आना चाहिए 1.5 क्या है। देखो 1.5 एक स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड एक पैरामीटर है कि भाई बॉडी का, मौत के बाद बॉडी का टेम्परेचर हर घंटे 1.5 सेल्सियस कम होता है, एक घंटे बाद 1.5 सेल्सियस कम हो जाएगा बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड है, तो इसी को डिवाइड करना है। तो उस प्रकार अगर डिवाइड करते हैं तो क्या निकल के आएगा, लगभग लगभग 8 आवर। ठीक है, 8 घंटे पहले व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब जो भी उसका बॉडी का करंट टेम्परेचर होगा, या बोलना चाहिए विसरल टेम्परेचर होगा, चाहे वो आप लिवर से ले लो डायरेक्ट निकाल के, चाहे आप रेक्टल से भी ले सकती हैं, तो वो आपको मिल जाएगा करंट टेम्परेचर, और इस फॉर्मूले में फिट कर दो तो एक मिल जाता है कि यहाँ इतने घंटे समय व्यक्ति की मृत्यु हुई है। सो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि भाई कैसे पता चल जाता है टाइम। देखो मेथड्स तो बहुत सारे हैं, बट जो सिंपल और ज़्यादा चलता है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप चाहते हैं कि उन मेथड्स पर वीडियो बनाई जाए तो ज़रूर से बनाएंगे अगर आप कमेंट करते हैं। अभी तो इतना ही है, अब आपका काम ये है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सबको थोड़ा थोड़ा पता चले, ज्ञान बांटना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।